अगर आपको भी फ्री में एथिकल हैकिंग सीखना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। ये वीडियो हमारा एथिकल हैकिंग सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम हैकर्स रोडमैप के बारे में डिस्कशन करेंगे। जितनी भी स्किल रिक्वायर्ड होता है एक हैकर बनने के लिए, जितने भी टॉपिक को समझना पड़ता है एक हैकर बनने के लिए, उन सारे स्किल एंड टॉपिक को इस वीडियो में कवर अप करेंगे। देन उसके बाद हर एक टॉपिक हर एक स्किल पर फुल कोर्स वीडियो आएगा जिसके हेल्प से आप अपनी हैकिंग जर्नी को मेरे साथ स्टार्ट कर पाएंगे। सो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। और उसके साथ साथ आप अपना नाम और लोकेशन नीचे कमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी पता चले वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। नंबर वन, हैकिंग माइंडसेट। तो देखो, अगर आपको एक हैकर बनना है तो आपके पास एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए। सिर्फ किसी सिस्टम को ब्रेक करना और उस सिस्टम के अंदर एंटर होना एक हैकर का काम नहीं होता। रिलेंटलेस एटीट्यूड एंड उसका स्किल सेट एक हैकर को मास्टर हैकर बनाता है। एज ए हैकर आपके अंदर कैसी क्यूरियोसिटी होना चाहिए, कैसी एटीट्यूड होना चाहिए, इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल हैकर बन पाएंगे। तो एक प्रॉपर हैकिंग माइंडसेट बनाने के लिए आप हैकिंग मैनिफेस्टो इस बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे बुक्स आते हैं जैसे कि ए हैकर्स माइंड, इस बुक को भी आप पढ़ सकते हो। नंबर टू, बेसिक कंप्यूटर एंड हार्डवेयर नॉलेज। अगर आपने हैकर बनने का सोच लिया है तो आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आता होगा, जैसे कि कंप्यूटर को किस तरह से यूज किया जाता है, कंप्यूटर की हेल्प से कौन कौन सी टास्क को परफॉर्म किया जाता है, ये सारे बेसिक चीजों को आप जानते होंगे। उसके अलावा आपको हार्डवेयर की नॉलेज भी गेन करना पड़ेगा, जैसे कि कंप्यूटर बनाने के लिए कौन कौन से हार्डवेयर को यूज किया जाता है, कौन कौन से बेसिक हार्डवेयर को किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, इन सारी चीजों को आपको जानना पड़ेगा। नंबर थ्री, कंप्यूटर नेटवर्किंग। अगर आपने कंप्यूटर को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है ये जान लेते हैं तो नेक्स्ट आपको सीखना पड़ेगा कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग एक एसेंशियल स्किल है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, क्योंकि नेटवर्किंग के हेल्प से एक हैकर किसी भी सिस्टम के अंदर एंटर हो सकता है एंड एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं एंड उन सारे डिवाइस को इजीली मॉनिटर कर सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर नेटवर्किंग एक बहुत ही एसेंशियल टॉपिक होता है। नंबर थ्री, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक मोस्ट पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है हैकर्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ टूल्स एंड फीचर मिल जाते हैं जिनके हेल्प से एक हैकर इजीली अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने के लिए आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है, जैसे कि काली लिनक्स, ब्लैक आर्च, उबंटू, पैरेट ओएस एंड ऐसी बहुत सारे अलग अलग लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है जिनको आप सीख सकते हो। बट पर्सनली मैं कहूंगा आप काली लिनक्स को ही सीखे, क्योंकि एंड द एंड आपको काली लिनक्स पर ही काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको उबंटू रिकमेंड करेंगे, बट उबंटू भी एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट आपको काली लिनक्स सीखना पड़ेगा अगर आपको एक सक्सेसफुल हैकर बनना है तो। तो मेरे ख्याल से आप काली लिनक्स को ही सीखे। तो काली लिनक्स की फुल कोर्स की वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन पर भी लिंक दे दूंगा जहां से आप उस कंप्लीट वीडियो को देख सकते हो। नंबर फोर, प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग। प्रोग्रामिंग एक ऐसा स्किल है जिसकी हेल्प से एक हैकर खुद की स्क्रिप्ट एंड टूल्स क्रिएट करता है। एंड वैसे तो मार्केट में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, बट आपको उन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है जिनकी हेल्प से आप खुद की टूल्स एंड स्क्रिप्ट क्रिएट कर पाएंगे, जैसे कि सी, पाइथन, HTML, जावास्क्रिप्ट, PHP एंड MySQL जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीख सकते हो। एंड इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से ही आप खुद की टूल्स एंड स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हो। उसके साथ साथ आप बैश स्क्रिप्टिंग को भी सीख सकते हो एंड पावर सेल को भी आप सीख सकते हो। इन दोनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हेल्प से ऑटोमेशन जैसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। नंबर फाइव, लर्न डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा को स्टोर किया जाता है। बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां एंड जितनी भी एप्स वेबसाइट आप देख रहे हो उन सारे कंपनियों की डेटा डेटाबेस पर स्टोर होता है। तो एज ए हैकर आपके पास डेटाबेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी डेटाबेस को सिक्योर कर सकते हो या फिर उस पर अटैक परफॉर्म कर सकते हो। तो अगेन, डेटाबेस सीखने के लिए आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है, जैसे कि DBMS, MySQL, Oracle, MongoDB, ऐसी बहुत सारी डेटाबेसेस है। आप इनमें से किसी भी डेटाबेस को सीख सकते हो, किस तरह से डेटाबेस काम करता है जान सकते हो। नंबर सिक्स, लर्न डिफरेंट हैकिंग टूल्स। अब देखो,
अगर आपने प्रीवियस के सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है तो नेक्स्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की हैकिंग टूल्स को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप इन्हीं टूल्स की हेल्प से किसी भी सिस्टम को या फिर डेटाबेस को सिक्योरिटी देते हो या फिर उन पर अटैक परफॉर्म करते हो। इसके लिए आप मेटास्प्लॉइट, NMAP, वायरशार्क, एयरक्रैक NG, बॉबसूट, जॉन द रिपर, इटरकैप एंड ऐसी बहुत सारी एथिकल हैकिंग टूल्स को सीख सकते हो, जिनकी हेल्प से आप किसी भी डेटाबेस को या फिर किसी भी नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हो या फिर उन पर अटैक परफॉर्म कर सकते हो। नंबर 7, लर्न डिफरेंट हैकिंग अटैक्स। तो अब देखो, अगर आपने डिफरेंट तरह की हैकिंग टूल्स को सीख लिया है तो नेक्स्ट आपको सीखना पड़ेगा डिफरेंट तरह की हैकिंग अटैक्स को। तो इसके लिए भी आपको डिफरेंट तरह की हैकिंग अटैक्स सीखना पड़ेगा, जैसे कि फिशिंग अटैक, DDoS अटैक, DOS अटैक, डिक्शनरी अटैक एंड ऐसी बहुत सारी अटैक्स आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं अटैक की हेल्प से आप किसी भी नेटवर्क या फिर डेटाबेस पर अटैक परफॉर्म करेंगे या फिर कोई और अटैक परफॉर्म कर रहा है तो उस अटैक को डिफेंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जितने भी टूल्स के बारे में बताया, जितने भी स्किल के बारे में बताया और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया, उन सारे टॉपिक पर बहुत जल्द डिटेल में वीडियो आने वाला है। हर एक टॉपिक, हर एक स्किल पर फुल कोर्स वीडियो आने वाला है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। नंबर 8, लर्न क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी एक एसेंशियल टॉपिक होता है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी के हेल्प से एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट किसी भी डेटा को सिक्योर तरह से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफर करता है। यानी कि क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट किसी भी डेटा को एनक्रिप्ट करता है ताकि कोई भी थर्ड पर्सन उस डेटा को ब्रेक ना कर पाए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी एक एसेंशियल टॉपिक हो जाता है। तो एंड में आपको क्रिप्टोग्राफी सीखना पड़ेगा। नंबर 9, बिल्ड योर ऑन प्रोजेक्ट। तो इन सारी चीज़ों को आपको सीखने के बाद प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, जिसके हेल्प से आप किसी भी कंपनी में आसानी से जॉब ले पाएंगे। क्योंकि जब आपके पास एक प्रोजेक्ट होगा तभी आपको किसी भी कंपनी में जॉब मिलेगा, क्योंकि जब आप खुद की प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपके पास ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि किसी भी कंपनी में किस तरह से काम किया जाता है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करना मोस्ट भी इम्पोर्टेंट होता है अगर आपको किसी भी कंपनी में जॉब करना है तो। नंबर 10, सर्टिफिकेशन। अगर आपने खुद की प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया है एंड इन सारे टॉपिक को भी सीख लिया है तो नेक्स्ट आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होगा तभी आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। विदाउट सर्टिफिकेशन आप जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, मगर उसके लिए आपके पास एक हाई लेवल का स्किल सेट होना चाहिए। मगर एज ए बिगिनर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसके लिए आप CEH, OACP, EJPD या फिर CCNA जैसी सर्टिफिकेशन कोर्स को कर सकते हो। किस तरह से इन सारी कोर्स के लिए अप्लाई किया जाता है, किस तरह से इन सारी कोर्स को एनरोल किया जाता है, इस टॉपिक पर भी दोस्तों बहुत जल्द वीडियो आएगा, जिसके हेल्प से आप इन सारे सर्टिफिकेशन कोर्स को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में जितने भी टॉपिक को हमने कवर किए हैं, जितने भी स्किल को हमने कवर किए हैं, उन सारे स्किल के ऊपर दोस्तों बहुत जल्द फुल कोर्स वीडियो आएगा। सो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।